क्या आपको भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है? आप लिटरली तेल लगाते हैं, अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, तो आपकी जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा दिखती है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको अपने स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, अगर इन सब में से कोई एक भी प्रॉब्लम आपको है, या ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बालों में है, तो आपके लिए ये आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आप अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे आपके बालों की जो डेंसिटी है, मीन्स आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। हेयर फॉल अच्छे रिजल्ट के लिए इसे कम से कम 2 महीने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अपने इस चैनल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ, इसके अलावा आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन DIY लेके आती हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन और बालों को बेहतरीन और खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बालों से रिलेटेड DIY लेके आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आपके बालों की प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, चाहे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो, फ्रिजी हो, या 2 मुहि हो, या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मीन एक्सट्रीम हेयर फॉल, एंड अगर आपके बाल टूट रहे हैं या फिर बेजान हो गए हैं, बिल्कुल भी सिल्क एंड शाइनी टच में नहीं रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो उसका एक सलूशन है, जो मैं आज हेयर ऑयल मास्क लेके आई हूँ, उसका इस्तेमाल के बाद, या जो हमने जो हेयर मास्क ऑयल बनाया है उसे लगाने के बाद, ओवरनाइट छोड़ने के बाद उसे अगले दिन वॉश ऑफ भी करना है, तो इस रेमेडी को दोस्तों हमें 7 टाइम तक करना है, हफ्ते में 2 दिन। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप इसे हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपने कभी भी सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल किया है, तो आप जिस भी तेल में कंफर्टेबल हैं वो वाला यूज़ करें। आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ये खुद करके देखा है। इसके अलावा दो, चलिए मैं आपको बना के बता देती हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं ये दो बार के इस्तेमाल के लिए बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसे 2 से 3 बार के लिए बना सकते हो, मगर उससे ज़्यादा यूज़ के लिए ना बनाएं, ताज़ा बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले सरसों का तेल, एंड उसमें डाल देते हैं अब प्याज, इसके बाद इसमें डाल लेते हैं मेथी, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, इसे पक जाए, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इसे स्ट्रेन कर लेना है जो हमने, तो दोस्तों इसमें हमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लेना है, एंड इसे बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसे अपने बालों में रखते हैं। तो ये रहा हेयर ऑयल मास्क जो मैंने बनाया है, तो चलिए मैं इसे अपने बालों में लगा के बता देती हूँ किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों आपको बीच से पार्टीशन कर लेना है इस तरीके से, टिप्स की मदद से इसे बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से।
दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बालों को टच बहुत ही हल्के हाथों से, एंड इसका जो मसाज है बहुत हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं करना है, वरना आपके बाल टूट सकते हैं। इस वजह से बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, जिससे कि आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा एंड आपको। तो दोस्तों मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही डीप। दोस्तों आपको जो मैंने ये हेयर ऑयल मास्क बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया है, जितने दिनों तक उस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो बालों की प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। अगर दोस्तों इसमें मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी हैं, सबसे पहले है सरसों का तेल। सरसों के तेल में कितने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंड सरसों का तेल एंटी इंफ्लेमेटरी, अगर आपकी स्किन में या आपके मीन्स बालों में, स्कैल्प में खुजली वगैरह होती, मेथी में आपके बालों को पोषण देने की गजब की क्षमता होती है। मेथी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो अगर सिर्फ आप मेथी का पैक लगा रहे हैं तो आपके बालों की ड्राइनेस धीरे धीरे जाएगी एंड आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्क एंड शाइनी हो जाएंगे। आपको डेली बेस के लिए किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वाला जो मैंने हेयर ऑयल पैक बताया है, 7 टाइम तक इसे आप इस्तेमाल करके देखें, उसके बाद अगर आपको कोई फ़ायदा मिले तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट करें। एंड उसके अलावा थर्ड है एलोवेरा जेल। जैसे आप जानते हो कि एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एंड कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, दोस्तों आपके जो एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है उसको रोकेगा एंड नए बालों को उगाने में मदद करेगा। लेकिन हाँ, इसे इस्तेमाल करना है सिर्फ फर्स्ट टाइम के यूज़ के बाद ही आपको 2 से 5% का इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये DIY या मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।